नमस्कार मित्रों, मैं हूं कालू माली। आप जुड़े हो मेरे चैनल से। साथियों, ये तस्वीरें आपको मैं दिखा रहा हूं, पुलिस अधीक्षक कार्यालय के बाहर की तस्वीरें दिखा रहा हूं। ये ग्रामीण सलारिया से आए हैं पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपने के लिए। इन्होंने पुलिस थाना सेड़वा के थाना अधिकारी और अन्य स्टाफ पर आरोप लगाया है। इनके भाई के साथ, इनका भाई अमीन खान है, जो ये इनके परिवार का एक सदस्य अमीन खान है, इनके साथ खेत में बुआई करते वक्त मारपीट हुई थी। मारपीट की पुलिस द्वारा इन्होंने कोई पुलिस थाना सेड़वा में मामला दर्ज करवाया, मगर सेड़वा पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की आरोपियों के खिलाफ। इसलिए ये ग्रामीण पुलिस अधीक्षक से मिलने के लिए आए और ज्ञापन देने के लिए आए हैं। कड़ी से कड़ी कार्रवाई की इन्होंने मांग भी की है पुलिस अधीक्षक से, और ग्रामीण अपने साथ भी है, जुड़े हुए हैं, इनसे भी बात करते हैं और क्या कहते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपका अकरम खान, कहाँ से आए? सलारिया से। क्यों, किससे मिलने आए? एसपी साहब को। क्यों, क्या हुआ? हमारे भाई को चोट लगी है। हाँ, मामला हुआ। हाँ, वो ज़्यादा चोट लगी हुई है। किसने हमला किया? मिश्री राम है। मिश्री राम कब किया था? कब? 11 महीनों को, 6 तारीख को। हाँ, अभी और 12 महीने, 1.5 महीना हो गए। हाँ, कोई कार्रवाई पुलिस थाना नहीं सेड़वा कर रहा है। हाँ, इसलिए एसपी को मिलने आया। कहाँ लगी आपके भाई की? सिर में लगी है। कितने जने थे हमला करने वाले? 3 जने थे। कौन थे? एक मिश्री राम थे। हाँ, एक दो उसका लड़का था। हाँ, 3 जनों ने मारपीट की है? मारपीट की। ठीक, पुलिस ने क्या कार्रवाई की सेड़वा पुलिस? कोई कार्रवाई नहीं की है, कोई जवाब नहीं दे रहे हैं।